जहां पर लोगों को लगता है कि ये जो यही मेरी जिंदगी का केंद्र बिंदु है, लेकिन रियलिटी हमारी जिंदगी ये नहीं है, हमारी जिंदगी हमारा समाज है। आजकल हो क्या रहा है, लोग इतने अडिक्ट होते जा रहे हैं, बच्चे खास तौर पर घर में आकर पहले टीवी देखा करते थे, आजकल टीवी नहीं देखते, अपने डिवाइसेस में गुम हो जाते हैं, चाहे आईपैड हो चाहे मोबाइल फोन हो जी। और अक्सर ये जो बहुत ज्यादा डिमांड्स होती हैं कि नए स्मार्टफोन दिए जाएं, उससे क्या होता है, पेरेंट्स तो कहते हैं कि ठीक है हमारे पास समय नहीं है इसलिए हमको ये स्मार्टफोन्स आपको दे रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं भूल रहे हैं, ये भूल रहे हैं कि जब आप इस तरह की चीज दे रहे हैं कहीं ना कहीं आप साइबर एडिक्शन में अपना योगदान दे रहे हैं, बच्चे को अपने से दूर धकेलते जा रहे हैं। मॉरिशस के पास एक आइलैंड है जहां पर उन्होंने ऐसे किया है कि जितने सारे क्लासरूम्स हैं उसको सारा डिजिटल बना दिया है, ठीक है, और सारे बच्चों को कहा है कि आप सब कुछ ऑनलाइन ही करेंगे। अब होना क्या लग गया है, उस शोध ने हमको शो किया है कि बच्चे कहते हैं हमने क्लास में जाना ही नहीं, हमने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी ही नहीं, हमने अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी ही नहीं, आप हमें अकेला छोड़ दो, हम और हमारी डिवाइसेस और इंटरनेट, ये है हमारा जीवन। तो कहीं ना कहीं ये एडिक्शन का एक दूसरा स्तर है, और अब वो आइलैंड सोच रहा है कि हमने जो प्रगति की क्या ठीक थी, अब रोक देनी चाहिए। बिल्कुल, इस मॉडल पे भी सवाल कहीं ना कहीं बिल्कुल उठना लाजमी सी बात है। आशा जी आपका